यस हेलो गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नाम है कीर्ति पांडे जय हिंद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर सो लेट्स स्टार्ट द सेशन जैसे कि आज का थॉट है बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है डोंट काउंट द डेज आप दिन मत गिन गिनिए कि मेरा 10 अप्रैल को एग्जाम है आज उनतीस तारीख हो गया इधर के तीन दिन उधर के नौ दिन बारह दिन है मेरे पास ये सब नहीं करना है ठीक है मेक द डेज काउंट मेक द डेज काउंट यानी कि ईच एंड एवरी बारह दिन जो है वो आपके लिए मतलब एक घंटे शुड बी लाइक वन दिन आप बहुत सारा आउटपुट निकाल सकते हैं और हम बार बार बोलते हैं कि आप एक चीज़ को धीरे धीरे पढ़ें इससे अच्छा कि आप जल्दी जल्दी उसी चीज़ को चार बार पढ़ लें अगर आप किसी भी टॉपिक का रिविज़न विद इन चौबीस घंटे करते हैं मान लीजिए कि अभी आज आठ बजे आठ बजे हम लोग एक टॉपिक पढ़ें और आप रात में सोने के पहले यानी कि अगले दिन सुबह आठ बजे के पहले एक बार उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए आपको वो चीज़ें याद रहेगी सो दैट इज़ द थाट और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा आंसर्स देते हैं कमेंट सेक्शन में सो आई लाइक टू नेम देम लेकिन बाकी स्टूडेंट जो हैं वो आंसर्स दे नहीं रहे सो वॉट इज़ द रीज़न यू कैन लेट मी नो पर आंसर देना ज़रूरी है जैसे कि उपासना का आंसर आया निहार का आंसर आया है ना आशीष का आंसर आया और देवदत्त ने एक छोटे क्वेश्चन का आंसर भी दिया सो गाइज प्लीज अपने आप को मेक यू योर सेल्फ ऑल्सो काउंट अगर हम सेशन के बीच में कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि वो अचानक से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया और वो सेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो होता है ना कि टीचर को फील आता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ न्यूज़ में थोड़ी आ सकता है तो आप उसको कहीं छोटे जगह नोट डाउन जरूर करें और नहीं तो आप उसको गूगल करें ताकि बाद में आप जब उसका आंसर देखें तो आपको याद रहे चीजें सो मोहम्मद अली कह के है ना इनसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल खुद में कौन हो सकता है आप अगर फ्री होंगे तो आप मेरे से इनका बायोपिक ले सकते हैं बायो पिक ले सकते हैं है, है ना पिक नहीं बायो ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी ले सकते हैं और काफ़ी सारा बायोग्राफी है मुझे थोड़ा पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना पसंद है तो रोनाल्डो का है इनका है मतलब दे आर लाइक एपिक अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरे लाइफ में बहुत संघर्ष है मेरे पापा थोड़े से गरीब हैं मम्मी बीमार है कुछ भी है सारे बहाने आप अगर सक्सेसफुल होने के ये सारे बात कह रहे तो ये सारे बहाने हैं लेकिन दूसरा व्यू क्या है ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटी जो बार बार तुमको पुश कर रही है कि यू शुड बी द किंग ऑफ अनरेस्ट है ना अनरेस्ट होना चाहिए तुम कैसे आराम से बैठ सकते हो तुम कैसे आराम से सो सकते हो तुमको तो हर एक क्षण मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं कि तुम उनको बहुत अच्छा लाइफ दो और उसके लिए तुमको बहुत बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हारे छोटे भाई बहन बहने जो कि तुम पे डिपेंडेंट है अपने नेक्स्ट फ्यूचर के लिए तो उनको सपोर्ट करना भी तुम्हारा काम है और अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको कोई मतलब नहीं है तो यू आर वेरी वेरी रॉन्ग ठीक है सो दैट इज द थॉट एंड लेट स्टार्ट द सेशन वर्ल्ड थिएटर डे कल हम लोग बात किए वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट होता है यही सेशन है क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी के गोखले नहीं था अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक जी थे वैलेंटाइन चिड़ोल ने किताब लिखा था द ब्रिटिश इंडिया अनरेस्ट पे तो उसमें बाल गंगाधर तिलक थे है ना हाँ तो वर्ल्ड थिएटर डे दे, देखिए ये 27 मार्च को होता है 1962 से चल रहा है ठीक है और ये क्या कर रहा है थिएटर जिसका अब वैल्यू कम होते जा रहा है पूरे दुनिया में उसके लिए है थीम क्या है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस तो थिएटर के बारे में ये थीम है कब से शुरू हुआ है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है आई टी आई जो कि नाइनटीन सिक्सटी वन से शुरू हुआ है ठीक है हर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ऑफ आई टी आई चूजन एज आउटस्टैंडिंग थिएटर पर्सनैलिटी ठीक तो ये है आपका और एक किताब है द ऑथर ऑफ द ऑथर ऑफ द मैसेजेज मैसेज ऑफ द वर्ल्ड थिएटर डे तो ये किताब लिखा गया था ठीक है और ये आपका क्या है ये कौन है पीटर सेलर यूनाइटेड स्टेट्स के क्लियर है बढ़िया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर आप देखें सिटी इज़ द मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी अब यहां पे ना ध्वनि प्रदूषण है आपको पता होगा कि एक लाइट लाइट पोल्यूशन भी होता है अगर कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है तो लाइट पोल्यूशन होता है फिर आपका साउंड पोल्यूशन है ठीक है साउंड को आप डेसेबल में काउंट करते हैं दो लोग जब बात कर रहे हैं तो उसका भी होना चाहिए ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करना होता है वरना आप बेमतलब का साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं तो साउंड पोल्यूशन वाला सबसे बड़ा सिटी जो है आंसर आ रहा है मेरे को मुरादाबाद ठीक है आशीष बता रहे हैं ढाका और ज्यादातर लोग जो है मुरादाबाद बता रहे हैं मुरादाबाद है ढाका है, है देन मुरादाबाद है ऐसा आप लोग कह रहे हैं ठीक है न्यू दिल्ली भी आंसर आ रहा है वी हैं प्रदीप हैं लवली हैं मनीष अरविंद सारे न्यू दिल्ली कह रहे हैं बच्चे एयर पोल्यूशन में और साउंड पोल्यूशन में डिफरेंस है है ना तो देखिए ढाका जो है कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश ये सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन वाला सिटी बन गया है और उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है वो सेकेंड नंबर पर नॉइज़ पोल्यूशन वाला सिटी बन गया है और यहाँ पे समझ रहे हैं और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है इस्लामाबाद ऑफ पाकिस्तान ये थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन का सिटी बन गया है क्लियर है बढ़िया अब देखिए किस आई को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिए हैं रामनाथ कोविंद जी ठीक तो कल हम एक और चीज बता रहे थे कि आपको पता है जैसे रामनाथ कोविंद जी से याद आया कि अगर आपको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट महाभियोग बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा कल बिल्कुल हम पेड़ में इसके बारे में बात कर रहे थे हाँ ठीक है ओके तो क्या बता क्या बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में आप क्या बता सकते हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है हम देख रहे हैं बहुत सही है हाँ तो देखिए एक होता है आपका लोकसभा एक होता है राज्यसभा हम केस वन ले रहे हैं हम एक बिल पास किए लोकसभा में अब हमको क्या चाहिए हमको वन फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप नहीं समझते हैं इस बात को ठीक है ध्यान से सुनिए हमको वन फोर्थ मेजोरिटी चाहिए किसका वन फोर्थ मेजोरिटी चाहिए अगर लोकसभा में जैसे अभी इतने लोग हैं तो इसका वन फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लोग साइन करेंगे ठीक है वो लोग साइन करेंगे एक बिल पे और ये बिल पास होगा ये बिल पास होगा लोकसभा में मतलब लोकसभा में ये आने के पहले अभी ये बिल हाउस में आया नहीं है आने के पहले ये बिल जो है ये वन फोर्थ साइन के बाद ये पहले आएगा ये बिल फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ये जब आएगा बिल उसके चौदह दिन पहले एक फोर्टीन डे नोटिस जाएगा नोटिस किसको जाएगा प्रेसिडेंट को जाएगा प्रेसिडेंट को नोटिस जाएगा समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अचानक से बात आ गई कि हमको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है बहुत सीरियस बात है आज तक भारत में कभी भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ है लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका कारण हम बता देते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका इम्पीचमेंट होने वाला था बच गए वो दूसरी बात है उनका इन्वेस्ट सेम हम लोग जो है ये पूरा प्रोसेस अमेरिका से लिए हैं ये जो टोटल प्रोसेस है ना ये अमेरिका से लिए हैं ठीक है 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 तो तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों बच गए क्योंकि उनका जो जो था वो 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 उनको बचा लिया अब अब आपको क्या ध्यान देना है? कि जो है, वो वन फोर्थ आपका पॉपुलेशन एक करेगा और उसके बाद वो होगा एक हौस में में लोकसभा भी भी हो है, भी हो सकता सकता राज्यसभा आ गया टू थर्ड मेजोरिटी से यानी कि टू थर्ड मेजोरिटी का क्या मतलब है कि फाइव फोर फाइव अभी जो स्ट्रेंथ है उसके टू थर्ड लोग जो हैं ये बिल को पास करेंगे अगर टू थर्ड नहीं पास करता तो बिल पास नहीं होगा टू थर्ड मेजोरिटी आपको चाहिए क्लियर है बिल्कुल उसके बाद क्या होगा दूसरा हाउस कोई भी हो सकता है अगर यहाँ लोकसभा है तो ये राज्यसभा होगा राज्यसभा है तो लोकसभा सेकंड हाउस हो जाएगा अब ये इसको कहेंगे आप इन्वेस्टिगेटिंग हाउस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस किस चीज का इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को को है. को रामनाथ कोविंद जी को हटाया जाए इनका महाभियोग कर दिया जाए इनका इंपीचमेंट कर दिया जाए किस बेसिस पे सिर्फ एक बेसिस पे ओनली वन बेसिस और कोई कारण नहीं प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ एकलौता बेसिस है क्या है वो है आपका वायोलेशन शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का किसी भी तरह से वो वायोलेशन कर दिए हैं ओहो तो ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो हटेंगे ठीक है तो अब राज्यसभा एक इन्वेस्टिगेशन हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा क्या प्रेसिडेंट खुद इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के मेंबर बन सकते हैं क्या प्रेसिडेंट उस सिटिंग में खुद बैठ सकते हैं हाँ प्रेसिडेंट चाहे तो वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस जो कि सेकेंड हाउस हो जाएगा वहाँ पे वो बैठ सकते हैं अगर राज्यसभा को लग गया कि ये बात सही है अगर राज्यसभा को लग गया कि हाँ ये बात सही है इन्होंने संविधान का वायलेशन कर दिया है तो राज्यसभा भी इस चीज को टू थर्ड मेजोरिटी के साथ पास कर देगा पास करने का मतलब है कि मेजोरिटी जैसे राज्यसभा में टू फाइव जीरो है तो उसमें टू थर्ड मेजोरिटी के लोग जो हैं वो वोट करेंगे और प्रेसिडेंट जो है उनका महाभियोग हो जाएगा क्या ये भारत में कभी भी हुआ है नहीं ये भारत में आज तक कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट का महाभियोग नहीं हुआ है हम लोग प्रेसिडेंट का महाभियोग जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से बॉर्डो किए हैं हम लोग इसको यूएसए से बॉर्डो किए हैं क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस आर्टिकल के तहत का महाभियोग होता है तो ये हम आपके लिए वेट कर रहे हैं चलिए बढ़िया तो इसका आंसर तो आपको बताइए कि रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट का बात आया तो हम सोचे कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे और इसीलिए हम आपको बता दिए हैं है ना ठीक है तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट कलर ऑफ इंडियन नेवल शिप तो ये कौन किसको मिला है वालसुड़ा जामनगर गुजरात ठीक है वालसुड़ा जामनगर गुजरात में ये है और इस यही जो है इनको मिल गया प्रेसिडेंट्स कलर क्या आपको कोई डाउट है नहीं है चलिए बढ़िया 61 बता रहे हैं आर्टिकल 51 कहता है 52 कहता है कि देर शाल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वहां से लेकर जो भी आपका सेंटर है वो 151 आर्टिकल्स जो है वो सेंटर के लिए ठीक है 52 से लेकर 151 वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार एयरपोर्ट के बारे में बात हो रहा है अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा अपना ज्ञान मिलना चाहेंगे ठीक है तो ये बात क्या है कि ग्रीन और ब्राउन कलर का बहुत सारा चीज है एक तो कलर का हम बताते हैं क्या बताना हम चार हैं सुनिए ध्यान से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अगर सुनेंगे आप ठीक है आपका गांव है आपका गांव कोई भी गांव है रामपुर रामपुर में कोई एयरपोर्ट नहीं है रामपुर के लोग बड़े भोले हैं मतलब हमेशा सपना देखें कि कभी तो हम इस फ्लाइट पे चढ़ेंगे है ना हम मतलब ये बात हम सच बता रहे हैं हम खुद सुने हैं मेरे घर में भी लोगों ने कहा है कि बेटा तुम्हारी नौकरी लग जाएगा ना तो हमको एक बार फ्लाइट पर चढ़ाना तो अनकॉमन चीज़ था हर किसी के लिए भी बहुत कॉमन चीज़ नहीं था खैर तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि जब लोग जब लोग पहली बार कहीं पे एयरपोर्ट बना रामनगर जो है ऐसा गांव है ऐसा जगह है जहां पे एयरपोर्ट नहीं बना था ग्रीन फील्ड का मतलब यह पहली बार यहां पे एयरपोर्ट बना है ठीक है ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह अठारह सालों में ठीक खैर ब्राउन फील्ड अब मान लीजिए पटना है ठीक है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है पटना में बना हुआ है सब अच्छा है लेकिन बस स्टैंड जैसा लगता है तो अब इसको ठीक करेंगे तो इसको रिज बना हुआ है रिजविनेट कर रहे हैं तो ये ब्राउन फील्ड एयर एयरपोर्ट हो गया तो यही आपका ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो तिरंगा है ठीक है तो इसका लेंथ लेंथ और विथ का जो रेशो है टू इस टू थ्री होता है इस बात को याद रखिएगा दूसरा हमको क्या बताना है कि इसमें एक कलर है सैफरन ठीक है इसका क्या प्रतीक है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है फिर आपका एक कलर है वाइट इसका क्या प्रतीक है और एक कलर है ग्रीन इसका क्या प्रतीक है यह आप बताएंगे बाकी आपको पता ही होगा कि चक्र जो है वो हम लोग सारनाथ अशोक चक्र से लिए हैं। सेफड़न का जो प्रतीक है वो है करज वाइट है आपका पीस के लिए और ग्रीन है आपका प्रोस्पेरिटी के लिए कि जितना भी हमारा खेती हो वो बहुत अच्छा हो सॉइल का और एनरिचमेंट हो इस बात को आप याद रखिएगा चलिए रीज री रिनोवेशन मीन ब्राउन फील्ड हाँ sacrifice नहीं है। बहुत लोगों को लगता है सैफरन इज फॉर करेज इट इज फॉर करेज चले कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022 किसको मिला है कोचिन एयरपोर्ट जो है ये कह रहा है इसको मिल गया है कोविड चैंपियन विंग्स इंडिया 2022 क्योंकि विंग्स इंडिया एशिया लार्जेस्ट इवेंट ये सबसे बड़ा हुआ है सिविल एविएशन पे और ये कहता है कि इस प्रोग्राम में कोचिंग को मिला है सबसे बढ़िया एयरपोर्ट कोविड चैंपियन का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज यस सेशन को एक बार थोड़ा सा लाइक कर दो शेयर कर दो है ना लाइक like और शेयर भी करना होता है सेशन को आप लोग भूल जाते हैं ठीक है बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नहीं आ रहा है कुछ कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं आपको बताने के लिए खड़े हैं ना धीरे धीरे आपको चीजें पता चल जाएंगी तो आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दें लाइक कर दें जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में आप हैं वहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है ठीक है अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा ठीक है जिसका भी सवाल है वो सवाल कर सकते हैं बिल्कुल अगर वो रेलिवेंट है तो आई विल डिस्कस दैट इन द सेशन ठीक देखे हु वन विमेन सिंगल टाइटल एट द ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट तो ये अपनी पीवी सिंधु जी हैं जिन्होंने बुशानन ओंग बाम रुंग, फैन ठीक है इनको हराकर ये थाईलैंड की हैं, तो ऐसा नाम रहता है कि मेरा कंठ सूख जाता है इनको पढ़ने के लिए खैर तो इन्होंने जीत लिया है क्या जीता है वुमेन सिंगल स्विज ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट तो ये इंडियन कर सकती हैं पता है सबसे बड़ा इंडियन का क्या प्रॉब्लम होता है कि आप लोग को लगता है कि हम ये कर ही नहीं सकते सी डी का एग्जाम है या फिर आई का एग्जाम है यूपीए का सत्रह अप्रैल को एग्जाम है पता नहीं अंदर से वो चीज नहीं आता कि हाँ हम लोग ये काम कर सकते हैं एक होता है ना कि अरे यूपीए में एक क्वेश्चन विलोम आया था उसका क्या था क्वेश्चन शारदा का पार्यवाची शब्द आया था अब हम तुमको बोले यार शारदा जैसे और पचास शब्द याद कर लो तो तुम्हारा यूपीए में वो एक क्वेश्चन तो हो जाएगा तो तुम बोलोगे मैम आप पागल है क्या एक वर्ड के लिए हम क्या ही उतना सारा याद करें तो उतना मेहनत करने के लिए उतना झुझाड़ूपन करने के लिए आप लोग समझते नहीं है अब उस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेगा तो एक कमला और इस तरह से उसमें ऑप्शन था तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता अगर तुमको पचास भी याद रहता ना अपना पार्यवाची तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता तो अब हम थोड़ा सा हिंदी पे भी हाथ जमा चाह, द, जमाना चाहेंगे जो कि मेरा बहुत खराब है खैर तो नीड का अगर आपको पारिवारिक शब्द पता होगा तो हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में चले स्टॉक होम वाटर प्राइस दो विल फ्राइड स्टेट्स बताए थे कल इनको मिला है स्टॉक होम वाटर प्राइज लॉरेट अवार्ड 2022 ठीक है और ये बेसिकली क्या काम किए हैं ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन द क्वान्टिफाइंग एन्वायरमेंटल इवेबोरेशन तो ये क्वान्टिफाई किए हैं यानी कि मतलब देखो एक चीज़ होता है कि अगर हम तुमको बोलेंगे कि हो रहा है क्लाइमेट चेंज तो तुम ट्रम्प जैसा बोल सकते हो कि हम मानते ही नहीं है क्या होता है रिपब्लिकन पार्टी जो है यूएस का वो नहीं मानता है डेमोक्रेटिक पार्टी मानता है तो अब उसके लिए मेरे को तुमको डेटा देना पड़ेगा प्रॉपर प्रजेंटेशन करना पड़ेगा और उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए तो उस तरह से ये लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं यानी कि इंजीनियरिंग ला रहे हैं इन्वायरमेंट में और इसलिए इनको प्राइज मिला है चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्वेल्थ एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये कहाँ पे हुआ है मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने ट्वेल्थ एडिशन किया है या बताएं कि कहाँ पे हुआ है नीड र नहीं है <coughs> ठीक है जल जो तुम लोग कह रहे हो ना वो नीड़ वो अलग है जो तूफान में चलता है वो दुनिया बदलता है बहुत बढ़िया बात बोले हैं नीड़ का निर्माण फिर 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 वो बोला वो वाला हाँ वो वाला नीड़ का निर्माण छोटी छोटी चिड़िया करती है नीड़ का निर्माण अब बताओ नीड का मतलब क्या होता है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पे हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है ठीक है तो आप लोग बता रहे हैं आंसर बहुत बढ़िया है हम देख रहे हैं तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये कहाँ पे हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं राज महेंद्रम करके एक जगह है ऑफिशियली नोन एज राज महेंद्रम तो रामेश्वरम आप सुने होंगे जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे एक जगह है रामेश्वरम ठीक है बाकी आपको तो पता ही है श्रीलंका है श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट है वो सब बात आपको पता है हम वो नहीं पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि रामेश्वरम जो है वो इंडिया और रामेश्वरम के बीच में एक जगह है इस जगह को आप क्या कहते हैं तो क्या आप इसको पंबन कहते हैं चैनल एक बार का देखिएगा मैप में और पंबन को खोजने का कोशिश करिएगा चले बढ़िया दो बजे होता है आपका जीके प्रियांशु है ना इंजीनियरिंग पे बढ़िया ना, ना, ना हाँ, नीड ठीक है आ रहा आंसर अब धीरे-धीरे ठीक अगला सवाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये एक्सटेंड कर दिया गया है इसका टाइम क्या ये अगस्त 2022 सितंबर 2022 दिसंबर 2022 या मार्च 2023 तो इसको एक्सटेंड किया गया है सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना या अनदर सिक्स मंथ यानी कि ये मार्च तक था छः महीना और इसको बढ़ा दिया गया है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चरल एंड इनाग्रेटेड थ्री डे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ईशान मंथन ठीक है ईशान मंथन तीन दिन का ये फेस्टिवल है ये कहाँ पे होगा क्या ये गुवाहाटी है ऐजोल है अगरतला है या न्यू दिल्ली है कहाँ पे होने वाला है ईशान मंथन जल्दी से सोचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या कर रहे हो इतना धीरे धीरे बता रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हो वॉट आर यू डूइंग गाइज ठीक तो ये न्यू दिल्ली है न्यू दिल्ली में हो रहा है ईशान मंथन कल हम पेड़ में क्वेश्चन पूछे थे हमको इंटरेस्टिंग लगा तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग से भी ये क्वेश्चन पूछें है ना आता है ऐसा क्वेश्चन इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं एग्जाम देने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको पता है कि ये आपका देश है है ना बोलोगे नहीं मैम ऐसा देश नहीं है मेरा पर खैर मान लो कि यही तुम्हारा देश है अब तुमको ये भी पता है कि यहाँ तक तुम्हारा लैंड बॉर्डर जाता है ठीक है ये भी पता है तुमको लैंड बॉर्डर पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर का होता है ये भी पता है तुमको ये वाला जो बॉर्डर है ये छह हजार एक सौ किलोमीटर का है ये भी पता है तुमको यहाँ पे तुम्हारा लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड है सब मिला के सात हजार दो सौ सोलह पॉइंट सिक्स कुछ ऐसा तुम्हारा Uh, मतलब पूरा कोस्टल एरिया है कोस्टल लेंथ है अगर हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछें कि टोटल जो आपका मेरी टाइम शुरू होता है जैसे यहाँ पे गुजरात है है ना और फिर आपका थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल को भी टच करता है तो सिर्फ इंडिया के मेन लैंड में कितने ऐसे स्टेट हैं जो कि ओशन से टच होते हैं और कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो कि ओशन से टच होते हैं ये सवाल है मेरा समझ रहे हैं आप सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमको पता नहीं क्यों लगता है कि ये सब तर, तरह का सवाल आता है जैसे कि असम से अगर तुम तमिलनाडु जा रहे हो तो तुम असम और तमिलनाडु दोनों को जोड़ते हुए कितने स्टेट को क्रॉस कर रहे हो ये सारे आजकल के नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आ रहे हैं एग्जाम में अभी अभी आई एस में आए हैं तो हमको लगता है कि इस बार यहाँ पर भी आएगा चलिए अच्छा ये समोसा है समोसा नहीं है ये कैसे बात कर रहे हो यहाँ पर तुम्हारा क्या आलू बाहर निकल रहा है इसका अच्छा आप लोग कौन से वाले व्यक्ति हैं समोसा में पपड़ी खाने वाले या समोसा का आलू खाने वाले किस टाइप के आप लोग क्रिएचर है गाइस ऑप्शन दे दीजिए याद नहीं आ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया तो नाइन स्टेट हैं ठीक है गुजरात है महाराष्ट्र है गोवा है कर्नाटका है केरला है तमिलनाडु है उड़ीसा है आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पे आपके नाइन स्टेट्स हो गए ठीक है और अगर सिर्फ लैंड पूछा गया है तो दो यूनियन टेरिटरी हो गए कैसे यहाँ पे पुडुचेरी है ये आपका आ गया अगर हम पूरा का पूछते तो चार यूनियन टेरिटरी कहते कैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ते हुए चार कहते क्या यहाँ तक बात क्लियर है बढ़िया तो एक बार इंडिया के मैप को अपने जहन में उतारने का कोशिश जरूर करिएगा मोदी स्टोरी बीन लॉन्च बाई ममता गांधी ग्रैंड डॉटर ठीक है तो ग्रैंड डॉटर ये महात्मा गांधी जो हैं सुमित्रा गांधी कुलकर्णी इनकी ग्रैंड डॉटर है और ये मोदी स्टोरी अभी किताब लिखी है बहुत बढ़िया खुद ही में इतना महान है इतने महान घर से हैं बहुत बड़ा आप इनका संस्कार होगा खैर पहले पपड़ी फिर आलू पपड़ी आलू में से कुछ नहीं छोड़ते हैं समोसा एंड पेप्सी पूरे हम मंगवाते हैं यार समोसा ऐसे तुम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सत्तर सत्तर है ना तो एक सौ चालीस समोसा अभी अभी आएगा अड्डा की तरफ से आपके घर पे डोंट वरी दोनों ही नहीं खाते हैं समोसा खाने से लोग बढ़ जाते हैं क्या मोटे हो जाते हैं क्या ऐसा हम सुने अच्छा आप लोग का फेवरेट आ, ऐसे स्ट्रीट फूड क्या है लाइक बहुत लोग तुम लोग वैसे वाले बच्चे नहीं रहने मैं तो बस पिज्जा खाती हूँ मुझे पिज्ज़ा कभी कभी मतलब आई लाइक पिज्ज़ा ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है लेकिन मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है क्योंकि तुम 200 300 का इतना पिज्जा खाए अगर तुम सौ रुपए का मोमो सौ रुपए का चौमिन और सौ रुपए का कुछ और खा लोगे तो तुम्हारा पता है तुमको पूरे दिन कुछ नहीं खाना पड़ेगा शायद अगले दिन भी कुछ नहीं खाना पड़ेगा है ना पेट भी खराब हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा दवाई भी दस रुपए का बचा के रखना दवाई खाने के लिए ठीक ओके एस के कारण सब छोड़े हुए हैं फुचका खाते हैं पानी पूरी खाते हैं अच्छा यही यही सब बात कर लो देखो कितना अच्छा से आप लोग आंसर दे रहे हैं चैट रेट अचानक से बढ़ गया है मोमोज का बात हो रहा है हरी चटनी का बात हो रहा है हाँ केला में डाल के लाल चटनी का बात हो रहा है पाव भाजी बहुत बढ़िया ऐसे ही स्टूडेंट्स होने चाहिए जो कि क्लास का एकदम लाइट माहौल करते हैं ना टीचर सोचे कि पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं कि आज यही सब बात कर ले रेसिपी भी लिख के भेज दो तुम लोग समझ गए हम समझ गए कि तुम लोग एकदम ओपी हो स्ट्रीट फूड में खाने पीने की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाते हैं ऐसे लोग हैं पाव भाजी भी खाते हैं यहाँ पे दिल्ली में तो, मसाले कुलचे भी बहुत फ़ेमस हैं कुलचे मसाले एक डाबेली भी बहुत फ़ेमस है पाव भाजी का अगर आप नाम ले रहे हैं है ना मैम आप हम अच्छे दिख रहे हैं <laughs> थैंक यू बिना नहाए भी कोई अच्छा दिख सकता है तो उसके लिए भी टैलेंट चाहिए ऐसे ही थोड़ी होता है ठीक है चलिए आज का हो गया वार्तालाप समाप्त अब पढ़ लेते हैं हम लोग एक तरफ करंट अफेयर्स एक तरफ साइडवाइज हम जो जी के पूछ रहे हैं वो भी बेवकूफ़ लोग आंसर देना शुरू करो चले सेवेंटी थर्ड एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साकेट्रिक सोसाइटी ये कहाँ पे हुआ है ये हुआ है विशाखापट्टनम में सेवेंटी थर्ड एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सेकैट्रिक सोसाइटी साइकेट्रिक हाँ लिट्टी चोखा यार तुम बोले नहीं लिट्टी चोखा इज द मेन चीज राइट हमको आता भी है बनाने तुम लोग रिजल्ट निकालो हम पक्का तुमको लिट्टी चोखा बना के खिलाएंगे बैगन का चोखा उसमें कड़वा तेल डाल के आह आ जल्दी क्लास खत्म करते हैं ठीक है चलो तो यहाँ पे विशाखापट्टनम हो गया फिर आप बताइए कि एडवाइजर ऑफ इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन बने हैं एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे लिट्टी चोखा इज नॉट फास्ट फूड इट इज एन इमोशन मैम हम आपके पीछे अच्छा बहुत बढ़िया साइंस देखिए हम एक बात बताते हैं आपको लिट्टी चोखा के बारे में तब तक आप लोग आंसर दीजिए हमको एक बार बोला गया था कि लिट्टी जैसा चिकन खाते हैं हम मना करती हैं क्योंकि देखो चिकन जो है मतलब आई एम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वो तो दूसरा बात है मतलब ऐसे ग्रुप में डिस्कस कर लेते लोग तो मैंने बोला कि यार या तो एक इन्जॉय कर लो या तो दूसरा इन्जॉय कर लो ये दोनों मिक्स करके दोनों का टेस्ट खराब करने का क्या मतलब है तो आई एम द वन जिसको एकदम वो चाहिए कि एकदम प्योर स्वाद समझ रहे हैं चलिए आज बहुत बात हो गया इस बारे में अब ख़त्म करते हैं इसको तो विनोद जी खांदरे जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनको एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाया गया है अगर तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है और तुम डिफेंस में जाते हो तो तुम भी इस पोस्ट तक जा सकते हो है ना तो तुमको बहुत सारा वहां पे पोस्ट है यार तुमको केयर uh, टेकर बना दिया जाएगा एडवाइजर बना दिया जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लानर बना दिया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा तो ये सारे काफी इंटरेस्टिंग प्लान हैं और डिफेंस में जो हमको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है वो पता है कौन सा है स्नाइपर अगर आप एकदम प्रो लेवल वाले सोल्जर हैं और आपका आई साइड बहुत अच्छा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको कॉमोफ्लेज करने आता है यानी कि जैसे गिड़गिट -गिड़ जो है वो अपने इन्वायरमेंट की तरह अपना कलर चेंज कर देती है तो आपको कॉमोफ्लेज करने आता है तो स्नाइपर इज बेस्ट प्रोफाइल चले बढ़िया तो अब देखिए ब्रॉड बोर्ड ऑफ डून एंड ब्रैड स्ट्रीट यहाँ पे आप बताएं कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर कौन बने हैं इसके पहले ये एस में थे तुम खिचड़ी खा लो खिचड़ी के साथ चिकन खाते हैं हाँ खिचड़ी खिचड़ी के साथ चिकन। अब ये तो हमको सुनते ही नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है इसका टेस्ट मेरा टंग का जो टेस्ट बर्ड्स है वो कंफ्यूज हो गया है बात सुन के ठीक है हाँ तो अब आप बताएं कि अच्छा तुम पबजी में स्नाइपर नहीं भाई इंडियन डिफेंस सिस्टम में भी स्नाइपर है क्या कर रहे हो ठीक है तो ये है रजनीश कुमार पहले ये एस में थे अब ये यहाँ पे आ गए हैं काफी सारा लगता है, सार, है, है बहुत ज्यादा ये ज्ञानी व्यक्ति हैं इनका प्रोफाइल बहुत चेंज हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके सामने है साथ साथ जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि मैम हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है तो तुम हमको एक बात बता दो कि एक जगह एक खेतरी खेतरी ना एक मिनरल के लिए बहुत फेमस है तो तुम हमको बता दो बस कि खेतरी कहां पे है और खेतरी किस मिनरल के लिए फेमस है इतना फेमस है कि इंदस वाली सिविलाइजेशन के लोग भी खेतरी से यही मिनरल मंगवाते थे ठीक है चलिए हाँ तो अब आप बताएं कि पांच लाख फॉर वायलेटिंग एस रूल पांच लाख रुपए का इनको फाइन लगा है ये आपको हम बताए थे कि एक्सिस बैंक जो है उनको पांच लाख रुपए का फाइन लगा है और ये फोर्टी फाइव डेज में इनको पैसा देना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं लाइम आंसर नहीं है नॉट एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड ठीक है यार खेतरी के बारे में पूछ रहे हो तुम लाइम बता रहे हो अब क्या हम अपना माथा फोड़ रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे एक वो लगा मरकड़ी निकाल के फोड़ लेते हैं अच्छा स्वैग देखो लड़के का है ना लाइम स्टोन मैम हम बोले लाइम नहीं ठीक है तो फिर कॉपर होगा नाइस nice, नाइस nice. तो ये कॉपर ही है ठीक है कॉपर जो है ये खेतरी खेतरी राजस्थान में मिलता है कॉपर इसको याद रखेगा और इंदस अली के लोग भी यहां से कॉपर मंगवाते थे अब एक बता दो बादाम पहड़ के बारे में कच्चा बादाम मत बोलना प्लीज बादाम पक चुका है तुम्हारे कच्चा बादाम सुनते सुनते तो अब तुम बताओ कि बादाम पहड़ में क्या मिलता है तब तक आप साथ में करंट अफेयर्स बताइए वर्ल्ड पैरा एथलीट देखो अगर हम प्रो लेवल में पढ़ाएंगे तो हम तुम डबल स्पीड में नहीं सुन सकते हो क्योंकि हमें एक साइड जीके पढ़ाएंगे एक साइड करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे इसलिए तो हमको बस ये बता दो वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स इन दुबई कौन जीता है और सेशन को लाइक करो यार क्या कर रहे हो मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा तुम्हारा सेशन देख के मतलब तुम्हारा लाइक देख के ठीक है हाँ फिर क्लास कौन लेगा ठीक है इसीलिए इसीलिए हम ही कुर्बानी दे रहे हैं इसीलिए हम ही हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है क्योंकि क्लास कौन लेगा ठीक है आप बताएं कि एथलीट ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है ये प्रणव मेडल जीता है इनको में. और जावलिन थ्रो डे जो है सात अगस्त को मनाया जाता है नीरज चोपड़ा आपको पता ही है उस दिन उनको अवार्ड मिला है ठीक है तो उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा जो है गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर है गुड डॉट क्या है ये उन लोग उन छः तो वेजिटेरियन लोगों के लिए है जो कि चिकन खाना चाहते हैं फील लेना चाहते हैं और बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत सारा प्रोटीन चाहिए तो उनके लिए प्लांट बेस्ड मीट बनाया जा रहा है गुड डॉट ये काम कर रहा है चलिए बढ़िया फिर आप बताएं रिसेंटली गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू बिल्ड हाउ मेनी एयरपोर्ट्स बदाम पहर की लोकेलिटी बता दो अच्छा ओडिशा बता रहे हैं और आयरन बता रहे हैं ठीक है आयरन तो हम समझ गए Uh, मतलब ओडिशा तो हम समझ गए आयरन का एक बार चेक कर लो है ना आयरन का एक बार चेक करो ठीक है कल हेमाटाइट मैग्नेटाइट बताए थे सर्च किए थे आप लोग अरे पीडीएफ मिल जाता है यार सेशन में ऐसे कैसे बोल रहा हूँ मिलता है है ना तो 2020 जो है नए एयरपोर्ट मिल रहे हैं आपको सिविल एवियेशन में तो बदाम पहडीसा में यह तो बात आप, 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 आप समझ गए चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ये वाला जल्दी करेंगे क्योंकि ये डिविजन वाला है एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री कौन बने हैं अभी रिसेंटली ऑप्शन ए विनोद जी खांदरे सुशील चंद्रा सुशीला शशि या फिर अमरजीत सिंह बेदी आंसर क्या है हरियप नाव तो आंसर क्या है विनोद जी विनोद जी खांद्रे विनोद जी खांद्रे है ना ठीक है अच्छा कुल कुल्लर से मेरा डेटा क्लैश कर रहा है चलिए ठीक है उसको हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली कौन सा कंपनी है जो कि फीफा वर्ल्ड कप थोड़ा स्पीड वाला ये तो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है कौन सा कंपनी है फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है टाटा मोटर्स बाईजूज रिलायंस या महिंद्रा मोटर्स आंसर क्या है बाईजूज है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारत भाग्य विधाता भारत भाग्य विधाता को अभी अभी किसने इनाग्रेट किया है ये जो है कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से हो रहा है क्या होगा आंसर लाला लाजपत राय जी इज बैक ओके तो ये आंसर क्या होगा निर्मला सीतारमण जी होंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी होंगे या फिर स्मृति जुबीन निरानी या सरबंदा सोनोवाल सरबंदा सोनोवाल जो है वो आयुष मंत्रालय में है तोमर जी आपको पता है एग्रीकल्चर में निर्मला सीतारमन आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर है स्मृति जुबीन ईरानी जो है वो आपकी कल्चरल मिनिस्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इनोग्रेट किया है आर यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जिसके पहले चेयरमैन जो है कृष्ण गोपाल कृष्णन होंगे अब आप बताए कमेंट सेक्शन में क्या यह हैदराबाद में बना है मुंबई में बना है विशाखापट्टनम में बना है या फिर बेंगलुरु में बना है तो आप आंसर देंगे कि ये बेंगलुरु में बना है बहुत बढ़िया एकदम दिल खुश हो गया आप लोग आंसर देखते हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई आई एम बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम आई में चले जाएंगे कैट का एग्जाम देके फिर हमको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा और मेरे साथ टू स्टेट्स का कहानी भी हो जाएगा कोई एक लड़की मिल जाएगी जो कि दूसरे स्टेट की होगी और फिर मेरे पे भी किताब लिखा जाएगा है ना खैर तो ये सब तो है लेकिन आप बताएं कि रिटेल टेक कॉस्टोरियम ये किस आई एम में बना है कौन स्टोडियम यह बना है आई एम अहमदाबाद में ठीक है अहमदाबाद में अहमदाबाद में ये बना है नेक्स्ट आप बताएं नीति आयोग ने रिसेंटली एक्सपोर्ट रेडिनेस इंडेक्स रिलीज किया है एक्सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग ने एक रेडिनेस इंडेक्स रिलीज किया है कि ये स्टेट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है निर्यात करता है निर्यात करने का क्या फ़ायदा होता है निर्यात करने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को फॉरेन करेंसी जमा करने को मिलता है और माना जाता है कि नीता अंबानी के पास अकेले उतना है जितना पूरे पाकिस्तान के पास है सोलह यू डॉलर सोलह बिलियन खैर तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है ऐसे तो एट्टी फाइव डॉलर एटी बिलियन तो अंबानी का खुद का संपत्ति है खैर तो वो सब तो छोटी बातें हो गई अब आप ये बताएं कमेंट सेक्शन में तो ये है आपका गुजरात जो लोग केरला बोल रहे हैं बस अभी अभी वही वही पानी में ठीक है समझिए आप लोग तो हम बता चुके थे ये गुजरात है नेक्स्ट आप बताएं कि सुरक्षा कवच टू देखें तो एक एक्सरसाइज होता है आप लोग हमेशा एक्सरसाइज पढ़ते हैं बहुत सारे इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज पढ़ते हैं बहुत सारे इंडियन नेवी का पढ़ते हैं एयरफोर्स का पढ़ते हैं दूसरे कंट्रीज से पढ़ते हैं मेरा एक बाल ऊपर ऐसे टिंग निकल रहा है खैर तो ऐसे आप लोग पढ़ते हैं यार कभी कभी ना कोई कोई बाल का अलग ही साइज हो जाता है खैर तो ये आप लोग पढ़ते हैं और आप बताएं कि कौन से स्टेट पुलिस के साथ हम लोग सुरक्षा कवच टू कर रहे हैं कौन से स्टेट पुलिस के साथ ये इंडियन आर्मी कर रही है तो ये है महाराष्ट्र पुलिस के साथ ठीक है चले नेक्स्ट वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट होता है ये आप लोग को पता होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो पच्चीस छब्बीस सत्ताईस या अट्ठाइस मार्च और इसी साथ ये भी बता देना कि 28 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है भारत के लिए कौन सा दिन होता है थोड़ा बहुत समझ रहे विज्ञान से रिलेटेड है चलिए तो आंसर क्या है इसका तो है सत्ताईस फरवरी सत्ताईस मार्च अट्ठाईस फरवरी वाला बताओ सिडबी अब देखें यहाँ से एक अलग सेट शुरू होता है तो ये था आपका एक सेकेंड ये आठ क्वेश्चन था स्पीड में बताएं अब ये अलग सेट शुरू होता है इसको भी जल्दी जल्दी बताना है इसी तरह आप लोग आंसर देते जाइए हमको बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग पटापट आंसर देते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं तो हमको ये उम्मीद रहता है कि अब आप लोग लाइक करेंगे तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए ठीक है साइंस डे नेशनल साइंस डे रॉजर क्या बोलते हो तुम लोग रॉजर दैट है ना तो सही बता रहे हैं आप लोग अब देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने अभी अभी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ ताकि ये डेवलप करे एम एस एम ई इको सिस्टम को स्टेट में क्या ये मेघालय है मिजोरम है त्रिपुरा है या असम है तो पूछा जा रहा है कि कौन सा है तो आप बोलेंगे कि ये मेघालय है सिडबी ने अभी अभी एमओयू यू साइन किया है मेघालय को डेवलप करने के लिए अगला सवाल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एम ओ ए ठीक है आयुष किसी का नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे नाम पर पूरा का पूरा मिनिस्ट्री <coughs> ठीक है अवतार सिंह जी आपका यहाँ भी कमेंट देख रहे हैं यहाँ भी कमेंट देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमको इसी तरह आप मेरा तारीफ करते रहिए आपको मेरा आशीर्वाद मिलता रहेगा है, है ना तो देखें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आप लोग बताएं कि टू सेट अप ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हम लोग कहाँ पे बना रहे हैं ग्लोबल सेंटर्स ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए गुजरात में बना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गली गरीब कल्याण अन्य योजना जो है इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए पहले ये मार्च 2022 में ख़त्म होने वाला था अब इसको छह महीने के लिए एक्सटेंड करके ये कब खत्म होगा आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बताएं ये होगा सितंबर 2022 में ख़त्म नेक्स्ट सवाल है कि मल्टीप्लेक्स कंपनी आई एन ओ एक्स लेजर लिमिटेड एंड पी लिमिटेड ने अनाउंस किया है मर्जर ऑफ देयर टू कंपनीज हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एम डी ऑफ द मर्ज एंटिटी ऑफ पी वी आर एंड आई एन ओ एक्स तो इन दोनों का मर्जर हुआ है और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति को यहाँ पे इनका एम डी बना दिया गया है आई एन ओ एक्स आप लोग सिनेमा देखने में तो माहिर हैं अभी आर 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 है के जी एफ टू के लिए तो हम लोग पहले से टिकट ले लोगे ब्लैक में मिलेगा वो भी ले लोगे सब समझ में आता है हमको ठीक है तो पी वी आर और आई एन ओ एक्स जो है मर्ज किया है इसके अजय बिजली याद रहेगा ना ये नाम क्योंकि देखो बिजली बिजली नहीं रहता है मल्टीप्लेक्स में मतलब बिजली नहीं रहता यानी अंधेरा रहता है तो ऐसा करके कुछ समझ जाना कि बिजली या फिर कुछ ऐसा कि बिजली गिरती है जब आपके दिमाग में जब आप सिनेमा देखते हैं जो भी है तो ये पी वी आर के हैं और ये पी और आई एन ओ एक्स दोनों के ये एम बन जाएंगे नेक्स्ट बिम्स्टेक सबमिट का पांचवा एडिशन हो रहा है कौन सा कंट्री बिमस्टेक सबमिट का पांचवा एडिशन करेगी बिम्स्टेक पहले सार्क था तो हम लोग सार्क के साथ अपने बाकी पड़ोसी देश से बात कर लेते थे लेकिन हमको पाकिस्तान से बात नहीं करना था क्योंकि बात करने लायक नहीं था ठीक है तो अब आप बताएं ठीक है हाँ तो बिम्स्टेक जो है हम लोगों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान को हटा दिया और बाकी जो है देश हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मालदीव इसमें नहीं है म्यांमार है क्योंकि बे ऑफ बंगाल के जितने भी कंट्रीज हैं आसपास वाले वो इसमें रहेंगे तो श्रीलंका जो है इसको होस्ट कर रहा है हाँ ठीक है है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में ठीक सर्दी से बच के रहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ना आजकल हमको एकदम नहीं समझ में आ रहा कि हमको पंखा ऑन करना है कि पंखा ऑफ करना है खिड़की खोलेंगे तो मच्छर आएगा और पंखा ऑन करेंगे तो ठंडा लगेगा ऑफ करेंगे तो गर्मी लगेगा चादर ओढ़ेंगे तो गर्मी लगेगा चादर नहीं ओढ़ेंगे तो ठंडा लगेगा तो बड़ा ही कंफ्यूज चल रहा है मौसम तो मेरा नाक भी कंफ्यूज हो गया है और हमको सर्दी बहुत अच्छे से हो गया है तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा खैर तो अब देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड कितना पैसा इन्वेस्ट किया है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने तो ये आप नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं एक करोड़ रुपये मैक्स इंशोर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पार्टनर किया है मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान फॉर इट्स कस्टमर तो आपको बताना है कि ये जो है मैक्स वाले इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया है फोन पे के साथ पार्टनरशिप किया है ठीक है चले अगला सवाल कि आई एल ओ हाँ ना तुम लोग भी कंफ्यूज हो ना सेम डिलेमा चल रहा है बुखार लग रहा है हमको हमको सर्दी भी लगता है हमको गर्मी भी लगता है मतलब ऐसा सर्दी जो कि कोई बोले कि एकदम केयर में कि यहाँ पंखा बंद कर देते हैं गर्मी लग रहा होगा ठंडा लग रहा होगा बेचारी को तो गुस्सा भी आ जाता है कि यार पागल हो क्या इतना गर्मी में कौन पंखा बंद करता है हाँ <coughs> चलिए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से कंट्री के ये जो गिलबर्ट हंगबू को नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा तो ये टोगो है ठीक है टोगो देखिये कितना बड़ा सा लग रहा है टोगो इनको बनाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक बार देख लेना मैप में कि टोगो कहाँ है ठीक है कीर्ति हसन नाम नहीं है उनका श्रुति हसन है जो आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं हम आपके भावनाओं को समझ रहे हैं ठीक है ओके okay. तो आप देखें बार्क बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस चेयरमैन काउंसिल अच्छा अगर हम तुमसे पूछे कि एटॉमिक एनर्जी के भगवान जो है फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया या न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया कौन है तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन है ठीक है हमको <laughs> भी नहीं पता की बढ़िया बात है होमी जहांगीर भाभा 1909 में इनका जन्म हुआ था 1966 सिक्ष में इनका निधन हुआ था और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है इन्होंने काफी काम किया है एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में भारत में और ये बार्ग जो है इनके चेयर चेयरमैन बन गई हैं शशि सिन्हा बन गए हैं शशि सिन्हा ठीक है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन अ लीडिंग रोल अभी नाइन्टी फोर्थ ऑस्कर के बारे में बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे बताएं कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है तुम लोग को पता है तो बता दो क्रिस्टीन स्टेवर्ड उसमें थी ना और ट्वाइलाइट में एक दो ही पता है हमको सारा उतना भी हम इतना अंग्रेजी सिनेमा उतना भी नहीं देखते हैं कि नाम वाम भी याद रहे जैसे का चास्टन जैसे का चास्टन जो है इनको मिल गया है इनको मिला है नाइन्टी फोर्थ ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड इन लीडिंग रोल किसको मिला है तो हम सोचे थे कि इसका लिस्ट फिर हम सोचे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही कर दें है ना तो नाइनटी फोर्थ ऑस्कर में देखिए विल स्मिथ को तो हम पहचानते हैं मेरे घर के बगल में रहते हैं बाकी लोग को हम नहीं जानते हैं जो हमको नहीं, जो हमको नहीं जानता उनको हम क्यों जानेंगे है ना नहीं ठीक है ठीक है अच्छा तुम हार्ट भी भेज रहे हो स्केलेट जॉनसन के साथ ये हार्ट भी भेज रहे हैं जानते हैं क्या आप ऐसे मतलब फोटो वोटो में देखें या किसी और के डीपी में देखें चलें तो ये विल स्मिथ है विल स्मिथ आप जानते हैं किंग किंग रिचर्ड में थे विल स्मिथ और इनको मिल गया है नाइन्टी फोर्थ ऑस्कर अवार्ड बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है नाइन्टी फोर्थ ऑस्कर बेस्ट पिक्चर अवार्ड ये क्या डून को मिला है किंग रिचर्ड को मिला है वेस्ट वेस्ट साइड स्टोरी को मिला है या फिर कोडा को मिला है तो ये एक्चुअली कोडा को मिला है है ना बेस्ट देखो पता नहीं अब मेरे घर में ना हल्ला हो जाता है ऐसे जैसे ऑस्कर है तो अब कोडा को मिला है फिर मेरे घर में सारे लोग सिनेमची हैं बोलेंगे कि चलो हम लोग ये मूवी देखते हैं क्या पता बहुत अच्छा है तभी तो ऑस्कर मिला है फिर क्या होगा हम लोग इस मूवी को लगाएंगे कहीं से खोज खाँच के उसके बाद जब लगाएंगे तो सब कोई सो जाएंगे क्योंकि हमको लगता है कि ऑस्कर पता नहीं क्या है ये लोग कैसे सोच के देते हैं ऑस्कर हम तो आराम से सो जाएंगे मेरे लिए अब सिनेमा का मतलब है थोड़ा एंटरटेनमेंट इसका ये मतलब नहीं अब वहाँ से भी ज्ञान ले लो तुमको पढ़ाते हुए ज्ञान लो फिर हर हाँ जगह से ज्ञान थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए ना एंटरटेनमेंट अरे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक थी ये ओ हो बचपन का प्यार है स्कारलेट, तुम लोग तो प्रो लेवल के स्टूडेंट हो मतलब सबको ही को जानते हो सही काम लेकिन हम ही आएंगे बस ठीक है हाँ तो यहां पे आप बताएं कि ये जो है कोविड चैंपियन अवार्ड ये कौन है ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फिर आप बताएं कि स्टॉक होम वाटर प्राइज में ग्राउंड ब्रेक आ, ग्राउंड ब्रेकिंग काम करने के लिए कौन है अब तो तुम लोग बता ही सकते हो हाँ हाँ हम देख लिए तो वो चलना था क्या मेरे साथ गोलमाल टाइप मूवीज बस गोलमाल वो भी पुराना गोलमाल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है तो ये है विल्फर्ड ट ठीक है आप लोगों को पता होगा आप तो मतलब मान लो नहीं भी पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं आप तो स्पेलिंग देख के बता ही दोगे ग्राउंड ब्रेकिंग वर्ड क्वान्टिफाई इन्वायरमेंट इवेपोरेशन ये सब देख के आप बता दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्थान प्रस्थान के बारे में कल भी हम बताए थे कि ये ऑफ कोस्ट मुंबई में हो रहा है आपको ये बताना है कि कौन सा नेवल कमांड जो है वो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ऑफ कोस्ट मुंबई में इंडियंस क्यार पसंद नहीं है मैं तो बॉलीवुड के भी सब लोगों को नहीं जानती सेम है मेरा भी आजकल यही हाल है ठीक है तो वेस्टर्न नेवल कमांड वेस्टर्न नेवल कमांड में यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 18 वेमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप का टाइटल जो कि जमशेदपुर में ये हुआ हेल्ड हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है जमशेदपुर झारखंड में हुआ है ठीक है तो यह बताएं कि हाँ कौन जीता है इसको कौन जीता है गाइज जल्दी बता दें आप लोग कमेंट सेक्शन में मैम आप हेरा फेरी दे हम देख चुके हैं हेरा फेरी हम हमको सारा डायलॉग भी याद है ठीक चले तो ये भारत है भारत जो है अंडर 18 जमशेदपुर झारखंड इसमें फुटबॉल अवार्ड इसको मिला है नेक्स्ट आप बताएं वेमेन सिंगल टाइटल एट स्विज ओपन बैडमिंटन किसको मिला है स्विज ओपन बैडमिंटन में थाईलैंड के खतरनाक नाम वाली प्लेयर को ये हरा कर जीती हैं ये टाइटल तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में जल्दी से सब याद हो जाएगा डोंट वरी हमको पता है कि आजकल तुमको ना फर्स्ट टाइम में याद नहीं होता जब हम फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट बार में बताते हैं लेकिन सेकेंड में आपको याद हो जाता है तो आप बता सकते हैं कि पी सिंधु है फिर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अर्थ आवर हर आखिरी सैटरडे मार्च महीने के आखिरी सैटरडे को आपका अर्थ आवर होता है ठीक है और इस बार आपका 26 मार्च को हुआ है शेप आवर फ्यूचर आपका यह है और साढ़े आठ बजे से ये शुरू हो गया ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है चेयरमैन लिखा है मोदी जी का यहाँ फ़ोटो है और प्रेसिडेंट जी का यहाँ फोटो है ठीक है तो ये देखिए कहाँ के चेयरमैन हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डॉल्फिन डे पाँच अक्टूबर को मनाने का फैसला किया है तो ये अभी इस साल से शुरू ही होगा बिगिन फ्रॉम 2022 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल से शुरू होगा और क्लाइमेट चेंज जैसे कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव जी क्लियर है वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं पे सिंधिया जी का आपको फोटो दिख रहा है है ना सिंधिया जी का एग्जाम भूल जाते हैं कोई ट्रिक बताइए <coughs> हम आर को ड को ड क्यों बोलते हैं क्योंकि बस दैट्स द वे आई एम एक्सेप्ट मी और लीव मी बस ठीक है तो आप देखिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे इसको मिल गया है कोविड चैंपियन अवार्ड और ये मंत्री कौन है अभी सिविल एविएशन मंत्री ज्योति ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इसके मंत्री हैं और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिशन है गार्डिंग तो सेफ गार्डिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम टू इंश्योर सेफ ट्रेवल एट कोचिन एयरपोर्ट चलें बढ़िया यहां पे आप देख सकते हैं पीपीटी पिक्चर लिखने इन पिक्स पर कभी सही में पीपीटी पिक्चर्स लिखने का कोशिश हाँ करिएगा देखिए बहुत सारी औरत है यहाँ पे ऐसे कट रहा है क्या कट मतलब ये रिबन है है ना तो बेसिकली यहाँ पे क्या है स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी भाग्य विधाता भाग्य भारत भाग्य विधाता मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल तीन दिन का ये फेस्टिवल होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव ये है क्योंकि पचहत्तरवा साल है आज़ादी का इस बार हम लोग का और हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं चले नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैडम आपसे आर र नहीं बोला जाता है नहीं बोला जाता यार इसमें लिखो पीपीडीटी सही बात है लिख लो पीपीडीटी तो देखिए ऑस्कर का अभी आप नाम सुनिए ध्यान से सुनिएगा विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए मिला है जैसे का चास्टन द आइज़ ऑफ टेनी फे के लिए मिला है कोडा बेस्ट पिक्चर है इतना तो इम्पॉर्टेंट है ड्राइव माई कार इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ठीक है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट में है द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल बेस्ट डायरेक्टर है जेन शैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल ये सब आप देख लीजिएगा वेस्ट साइड स्टोरी के लिए एरिना डी डोसे है और ये नाइन्टी फोर्थ ऑस्कर एवॉर्ड्स के बारे में आपका है ठीक है और सपोर्टिंग रोल एक्टर में आप देख सकते हैं ये लिस्ट आप देख सकते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता चुके हैं आपका एक्टर एक्ट्रेस पिक्चर इंटरनेशनल बस इतना काफी है अगर आपको डायरेक्टर याद रहेगा तो द पावर ऑफ द डॉग के लिए आपको याद रह सकता है बस दैट इज इम्पॉर्टेंट फिर नेक्स्ट आप बताएं हाँ स्क्रीन प्ले ये सब सब हम देख चुके हैं चलें नेक्स्ट आप देखें कि आदि बाजार आदि बाजार यानी कि ट्राइबल्स के लिए ट्राइफेड एक आपका ट्राइबल फेडरेशन होता है ठीक है ठीक ठीक है तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर उनका नाम है एमसी मेरी कॉम एम सी मेरी कॉम जो है ट्राईफेड की ब्रांड एम्बेसडर है और ये जो आदि बाजार है ये आपका 26 मार्च से लेकर 5th अप्रैल तक होगा एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में क्लियर है इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा बाकी जो नहीं समझ में आया होगा आप यहाँ से रीड कर सकते हैं नेक्स्ट आप बताएं नेक्स्ट आप देखिए ये नौसेना के बारे में न्यूज़ क्या है कि वेस्टर्न नेवल कमांड नौसेना जो है हमारा प्रस्थान शुरू कर रहा है मुंबई ऑफशोर में और यहाँ पे ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया है मुंबई में इस बात को ध्यान रखिएगा और ये हो रहा है स्टार्ट फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं मोदी जी मोदी जी के बारे में न्यूज है तो काफी इंटरेस्ट हो जाता है आप लोग को मोदी जी के बारे में जानने में देखिये गरीब कल्याण अन्न योजना पांच मतलब ये मार्च 2022 में खत्म होने वाला था छह महीने के लिए इसको एक्सटेंड करा दिया गया है और अभी जो है इसका फेज सिक्स आने वाला है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें नॉइस के बारे में आपको बात पता चल चुकी है नॉइस का बात क्या है कि ढाका जो है बांग्लादेश का कैपिटल इसमें सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है है ना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे नॉइस पोल्यूशन में आया है और इस्लामाबाद जो है थर्ड नंबर पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद कैपिटल है थर्ड नंबर पर आया है नॉइस पॉल्यूशन में यस पी सिंधु हम आप ऐसे ही कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन करा रहे हैं फिर आपको न्यूज़ बता रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि पहले हम न्यूज़ बताएं और फिर क्वेश्चन कराएं जो भी होगा आप बता दीजिएगा अभी ठीक तो है तो पी सिंधु जो हैं इन्होंने थाईलैंड की प्लेयर को हरा कर स्विज ओपन सुपर थ्री बैडमिंटन टूर्नामेंट के जीत चुकी हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनको मिल गया है स्टॉक वाटर प्राइस ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लगता है कौन सा न्यूज़ है ये ये यही न्यूज है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है इसका एलेवेंथ एडिशन सक्सेसफुली बन रहा है और ये आपका आंध्र प्रदेश राज महेंद्र महेंद्र द्रम में ये हो रहा है ठीक है पहले न्यूज देन क्वेश्चन ओके फिर आप बताएं कि सैफ ठीक है साफ में अंडर 18 जमशेदपुर में यह हुआ झारखंड में यहां पे इंडिया जीत चुका है सैफ विमेन्स चैंपियन अंडर 18 टाइटल नेक्स्ट मोदी स्टोरी ये किताब लिखा गया है महात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉटर ने यह किताब लिखा है मोदी स्टोरी इनका नाम है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ठीक है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति केवी uh, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है आई एन एस वालसुड़ा को ईशान मंथन ईशान मंथन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में ये डोनर का है डोनर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिजन ईशान मंथन न्यू दिल्ली क्लियर सो दिस वॉज वाइज बाकी आप जानते हैं कि एफके आर्ट का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है कल हम लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है किस दिन आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा तो जल्दी से आप एफके आर्ट फाउंडेशन बैच में आ जाए और टेस्ट बनाना जरूर शुरू करें देखिए तो एफके आर्ट फाउंडेशन बैच के लिए आपका कोड है वाई तीन सौ बत्तीस टेस्ट के लिए आपका कोड है वाई तीन सौ बत्तीस एस और बाकी सी आई एस एफ का आप जानते हैं कि ट्वेंटी फर्स्ट मार्च से एक और बैच शुरू हो चुका है एक बैच बहुत सक्सेसफुली एंड हुआ है डिफेंस okay? तो वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज करके आप एस एस बी में भी इनरोल हो सकते हैं जहां पे कर्नल सिरोही सर आपको एस एस बी के बारे में बताएंगे और जितने भी मेरे प्यारे इंजीनियर्स फ्रेंड्स हैं है ना एंड स्टूडेंट्स हैं तो वो आ सकते हैं महापैक में आप ने जिसकी भी इंजीनियरिंग की है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी एग्जाम्स आते हैं आपके एई जे ई के सारे आपके महापैक में आ जाएंगे सो so, आपको वाई कोड यूज करके आज ही इनरोल करना है टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर पांच दिन भी किसी एग्जाम के लिए है ट्रस्ट मी आप लोग अपने आप पे विश्वास रखें आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि एक दो टेस्ट देके उसको एनालाइज करके आप काफी ज़्यादा अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं वैसे स्टूडेंट बने जो कि एग्जाम हॉल जाने तक कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हैं वैसे मत बनिए जो कि एक दिन पहले ही बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अब हमको रिलैक्स करना है यार कंपटीशन जो है ना कट थ्रोट कंपटीशन है कोई भी सेकंड क्या पता तुम असेंबली लाइन में लगे हो होता है स्कूल में ऐसा तुमने एक चीज देखा मेरे साथ ऐसा हुआ है मैं असेंबली लाइन में थी मैंने लास्ट मोमेंट में देखा था कॉनकेव मिरर का जो कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज बनेगा आज तक याद है एग्जाम में भी आया छः नंबर मिले प्रॉपर उसके लिए एक पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ा था ठीक है तो इसलिए एकदम लास्ट मोमेंट तक मेहनत कीजिए कभी भी कुछ भी हो सकता है डोंट गिव अप सो दैट इज द थॉट थैंक यू फॉर द सेशन एंड लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस सेम यू सेम मी थैंक यू